नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बीकानेर के राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर हरियासर के समीप एक टैंकर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर ट्रैक्टर ट्राली को पीछे टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए लूनकरनसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया। लूनकरनसर हाईवे पुलिस के प्रभारी हेड कांस्टेबल गिरवर सिंह ने बताया कि पिंपेरा निवासी छोटूगढ़ पुत्र हरिगढ़ गुंसाई व हनुमानगढ़ के नेहरों की ढाणी निवासी सुनील पुत्र बलवीर गुंसाई लूनकरनसर से पिंपेरा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान राजमार्ग 62 पर हरियासर बस स्टैंड पर एक टैंकर चालक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दोनों व्यक्ति घायल हो गए। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना सदर अंतर्गत सिविल लाइन्स भ्रमण पथ के सामने रेलवे अधिकारी आवास संख्या 35 शांति विला लग्जरी अपार्टमेंट कस्बा अस्पताल एवं डॉक्टर हनुमान कस्बा के निवास तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर की अकादमिक काउंसलिंग की बैठक ऑनलाइन वेबेक्स एप्लीकेशन के जरिए कुलपति प्रोफेसर HD चारण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कई कोर्सेज को चालू करने व नए सिलेबस निर्माण पर सहमति बनी है, जिसके तहत PG स्तर पर कृषि व्यवसाय प्रबंधन में PG डिग्री, डाटा साइंस में MTech, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में MTech आदि नई को शुरू किए जाएंगे। वही MTech मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग विषय की नई निमर्ती स्कीम में सिलेबस सर्वसहमति से पारित किए गए। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक अमित लोढ़ा ने बीकानेर बॉर्डर का दौरा कर सीमा चौकियों का जायजा लिया तथा जवानों को कोरोना वायरस से बचाव की हिदायत भी दी। महानिरीक्षक बीकानेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 3 दिवसीय दौरा कर वापस लौट आए। इस दौरान उन्होंने सीमा प्रहरियों से सीमा पार होने वाली पाक रिजर्व की गतिविधियों पर भी बात की तथा चौकन्ना रहते हुए मुस्तैदी के साथ सीमा की सुरक्षा करने की हिदायत दी। उन्होंने जवानों से मुंह पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने की बात कही। सिंचित क्षेत्र विकास में 67 कनिष्ठ सहायक की काउंसलिंग 18-19 जून को होगी। काउंसलिंग के लिए पति पत्नी होने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, पति पत्नी में से यदि कोई पूर्व में राजकीय सेवारत है तो उसमें उसका प्रमाण पत्र या पेल स्लिप, शहीद परिवार का है तो उसका प्रमाण, चयनित अभ्यर्थियों में किसी के माता पिता या साध्य रोग से पीड़ित है तो उसका प्रमाण सहित सभी जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग सिंचित क्षेत्र विकास कार्यालय में होगी। काउंसलिंग कमेटी के अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 दिन होने वाले काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब में देश के 13 एवं चूरू जिले के 7 युवक फंसे होने के मामले में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ जयपुर के सलाहकार को पत्र लिखकर युवकों की मदद के लिए कहा है। सांसद राहुल कस्बा ने भी विदेश मंत्री व विदेश सचिव को पत्र लिखा। कलेक्टर ने पत्र में बताया कि 13 युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सरकार से मदद मांगी है, जिसके अनुसार करीब 4 माह पूर्व एजेंट की ओर से उनको एहसास अल्फार कंपनी में नौकरी का झांसा देकर सऊदी भिजवाया गया था। युवकों को 2 महीने काम करने के बाद भी सैलरी नहीं दी और किराए के कैंप से भी निकाल दिया गया। इनमें जिले के पवन सुथार, आनंदीलाल, विजय कुमार, जाकिर मेक्सर, मोहम्मद हुसैन, इमरान व अकबर हैं। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र में ACJM कोर्ट में कार्यरत पेशकार के खाते से किसी व्यक्ति ने 86,000 रुपए निकाल लिए। पेशकार रामगोपाल मोदी ने बताया कि कोर्ट में उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि उसके बच्चे की फीस के लिए रुपए की समस्या है और वह उसके खाते में रुपए जमा करवा रहा है। उस व्यक्ति ने कोड, UPI ID आदि मांगे। पेशकार रामगोपाल मोदी ने बताया कि उसके खाते से 3 बार 12,000 रुपए और 2 बार 25,000 रुपए से कुल 86,000 रुपए निकाल लिए गए।
चूरू के लाडनू में कोरोना को लेकर क्वारंटाइन करने पर एक युवक पिछले 3 दिन से लगातार सेंटर से भाग रहा है। 1 जून से लेकर 3 जून तक लगातार 30 साल का युवक 3 बार फरार होकर अपने गांव रताऊ पहुंच गया। एसडीएम मुकेश चौधरी ने बताया कि युवक 1 जून को झोटावाड़ा से आया था, आते ही उसे क्वारंटाइन कर दिया था। 2 जून को सुबह वह केंद्र से भाग गया, वापस लेकर आए। 3 जून को दोबारा भागने पर लाडनू के केजीबी स्कूल में शिफ्ट किया। देर रात फिर फरार हो गया, सुबह कमरे में फिर नहीं मिला, मोबाइल बंद मिला। भाई के नंबर पर संपर्क करने पर रताऊ पहुंचने की जानकारी मिली। अरब सागर में आए चक्रवात निसर्ग के असर से गुरुवार शाम को जोधपुर में तूफानी बारिश हुई। मौसम झंझावत का हो गया। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के साथ बौछारें गिरी। अचानक पड़ी बौछारों से एक बारगी जो जहां है वहीं ठहर गया। शहर में सड़कों पर पानी भर गया। जोधपुर के फलोदी, आऊ सहित आसपास के ग्रामीणों हिस्सों में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर आज शुक्रवार को भी बना रहेगा। ऐसे में कई स्थानों पर वज्रपात व झंझावत जैसी स्थिति बन सकती है। शाम 6:30 बजे शहर में मौसम ने अचानक पलटा खाया। कुछ क्षणों में तेज हवा, बादलों की गर्जना में बिजली की चकाचौंध के साथ मेघ बरसने लग गए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह में होंगी। 1 जुलाई से वीवी की शेष बची प्रायोगिक परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। लॉकडाउन के कारण पीएचडी छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने अथवा पीएचडी जमा कराने में देरी होने से 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वर्तमान में परीक्षा केंद्रों की संख्या 84 से बढ़ाकर दुगुनी तक की जा सकती है। निजी महाविद्यालयों में स्वयं के परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। जिन महाविद्यालयों में 150 से कम छात्र हैं वहां परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। परीक्षाएं 2 पारी में होंगी, पहली पारी में 8 से 11 और दूसरी में 3 से 6 बजे तक होंगी। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बावजूद सरकार ने लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए सख्त लॉकडाउन के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन में अब अनलॉक 1 लागू कर कायदे और जुर्माने तय किए। लोग इन्हीं कायदों का उल्लंघन कर खुद के लिए खतरा मोल ले रहे हैं तो लाखों रुपए का जुर्माना भी भुगत रहे हैं। जोधपुर पुलिस अब तक ऐसे लोगों से 12,34,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। बीकानेर जिले में एक परिवार को अगवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पूगल थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पूगल थाना पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 जनों से अज्ञात बदमाशों ने उन्हें अगवा कर मारपीट की। रिपोर्ट में बताया गया है कि मां बेटी को पिस्तल से धमकाया गया। उन्होंने बताया कि मारपीट में एक व्यक्ति सोहनलाल, उसकी पत्नी कांता, बेटी माया देवी और बेटे अनिल को अज्ञात लोग उन्हें गाड़ी में डालकर अगवा कर ले गए और उनके साथ सरियों में डंडों से मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।